पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही वुड वेंडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय। और उस चौड़ी नदी के किनारे को भी याद कर रहा था जहाँ पे वह दिन भर घूमा करता था गाना गाते हुए और चिल्लाते हुए आनंद के साथ। मतलब नदी के किनारे पे जहाँ वह दिन भर आनंद के साथ गाना गाते हुए चिल्लाते हुए घूमा करता था, यह सब उसको याद आ रहा था। द नैरो ब्रुक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड। और वह सकरा झरना, नैरो में सकरा और ब्रुक में झरना, जहाँ वह जाया करता था और गोते लगाता था, साथ डाइव मतलब गोता लगाना, स्विम तैरना, एट एनी टाइम किसी भी टाइम वह उस सकरे झरने में जाया करता था, गोता लगाया करता था और तैरा करता था जब वह पसंद करता था, मतलब जब जाना चाहता था किसी भी टाइम तो ऐसा करता था। He thought of his band of boy companion over whom he was despot। वह अपने उस दल के बारे में भी सोचा, दल से मतलब है जो उसके मित्र मंडली थी, और बैंड ऑफ बॉय मतलब लड़कों का जो दल था और जो वह मित्र मंडली थी उसके ऊपर वह एक डिस्पॉट, डिस्पॉट मतलब क्रूर शासक, उन लड़कों के ऊपर वह क्रूर शासक की तरह शासन करता था। एंड एबव ऑल द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर ऑफ हिज। और इन सब के बाद अपनी तानाशाह माँ की भी याद उसे आ रही थी। हु हैड सच ए प्रीजुडाइस अगेंस्ट हिम, जो कि उसके प्रति एक पूर्वाग्रह रखती थी। पूर्वाग्रह से मतलब है पहले से ही विचार बना के रखना कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या खराब है। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, ये विचार उसको दिन रात घेरे हुए थे, गांव की यादें और दूसरी चीजें। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार के प्यार जैसे जैसा कि जानवरों का होता है, ये उसकी अपेक्षा थी। फिजिकल लव मतलब शारीरिक प्यार, इससे मतलब है जैसे वह चाहता था कि उसको कोई प्यार से सहलाए चूमे। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, और वह चाहता था कि यह सब उन लोगों की उपस्थिति में हो जिन्हें वह प्यार करता है या चाहता है, मतलब उसकी मित्र मंडली, उसका गांव, उसकी माँ। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग अब्सेंस ए साइलेंस क्राई ऑफ इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर। इनएक्सप्रेसिबल मतलब अव्यक्त, एक्सप्रेसिबल मतलब जो व्यक्त किया जा सके, इनएक्सप्रेसिबल मतलब जो व्यक्त न किया जा सके। विस्टफुल नेस मतलब उदासी, लेकिन इन लोगों की अनुपस्थिति में मतलब वह जो उन लोगों को, गांव के लोगों को, बच्चों को, अपने सब दल के लोग लड़कों को जो चाहता था कि उनके साथ रहें पर वो लोग थे नहीं, उनकी अनुपस्थिति में उसके दिल के अंदर से, हृदय के अंदर से एक साइलेंट क्राई, साइलेंट मतलब शांत, क्राई मतलब चीख, उसके दिल से एक पुकार निकलती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी पर उसके दिल से ये बातें निकलती थी कि हर कोई होता या वह सबके साथ होता। लाइक द लोविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, ठीक वैसे ही जैसे गोधूली के समय, ट्विलाइट मतलब गोधूली, लोविंग मतलब रवाना, ठीक उस तरह से जैसे गोधूली के समय काफ मतलब गाय का बछड़ा गुदली के समय रवाता है। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ऐसा प्यार जो जानवरों में प्रायः स्वाभाविक रूप से होता है। इजिटेटेड द साई
nervous, lean, uncouth, and ugly boy. और यह सब चीज़ें जो सोच रहा था उसको उत्तेजित कर दे रही थी, और साथ ही साथ वह काफ़ी घबराया हुआ था और काफ़ी दुबला पतला भी हो गया था और अनकाउथ मतलब अशिष्ट भी हो गया था और अगली बॉय मतलब कुरूप लड़का। तो यह उस लड़के के लिए कहा गया है जो अपने मामा क्या था और ये सब चीज़ अपेक्षा कर रहा था कि ऐसा कुछ होता, पर था नहीं। नो वन कूड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली। कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं सकता था, मतलब वो जो चीज़ सोच रहा था, जो चाह रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें उसको लगातार परेशान किए हुए थी क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चीज़ें लगातार आ रही थी। प्रेड मतलब परेशान करना। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, फिसड्डी। स्कूल में फटिक से पिछड़ा हुआ या फटिक से फिसड्डी स्टूडेंट कोई नहीं था। कोई लड़का ऐसा नहीं था जो फटिक से कहीं ज़्यादा फिसड्डी हो स्कूल में, पूरे स्कूल में। ही गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। गैप्ड मतलब होता है एक टक घूरना, गैप मतलब एक तरह से देखते रहना। और जब कोई टीचर, कोई अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछता था तो बस एक टक देखता रहता था और बिल्कुल शांत रहता था। एंड लाइक एन ओवर लेडन एज पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट कम्स डाउन ऑन हिज बैक। और ठीक उस गधे की तरह, एस मीन्स गधा, जो पूरे धैर्य के साथ, उस गधे की तरह जो जिसकी पीठ पे अत्यधिक बोझ लदा हुआ हो और उसकी पीठ पे जो भी ब्लोज मतलब यहाँ से है चोट से, उसकी पीठ पे जो भी चोट आती है उसको वह झेल लेता था। उस गधे की तरह जिसकी पीठ पे बोझ लदा होता है और गधे और चुपचाप वो पिटाई को सह लेता है, उसी तरह से फटिक भी सह लेता था क्योंकि जब ये बताता नहीं था तो टीचर लोग इसकी पिटाई करते थे। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roof of the distant houses. और जब दूसरे लड़के खेल रहे होते थे बाहर, तो वह उदासी के साथ, wistfully मतलब उदासी के साथ, खिड़की के पास खड़ा रहता था और छतों पर उन लड़कों को घूरता था। गेज मतलब ध्यान से देखना, जो आसपास के घरों पे, घर में छतों पे लड़के खेलते थे उनको खिड़की में खड़ा होकर देखा करता था। एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द अदर टेरेस ऑफ एनी रूफ हिज हर्ड वुड एक विथ लॉगिंग। और बाई चांस मतलब इत्तेफाक से, अगर वह किसी ऐसे बच्चों को देखता था जो खुले हुए छज्जे पर, मतलब जो छत पे काफ़ी लंबा चौड़ा छज्जा होता था, कुछ बड़े छज्जों पर लड़कों को खेलते हुए देखता था, तो उसके दिल में भी यह प्रबल इच्छा होती थी कि वह भी खेले। वन डे ही समंड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल। एक दिन उसने अपने पूरा साहस जुटा के अपने मामा से बोला, अंकल व्हेन कैन आई गो होम। मामा जी, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडेज कम। उसके मामा ने जवाब दिया कि छुट्टियाँ आने तक इंतज़ार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट। लेकिन छुट्टियाँ नवंबर से पहले तो होंगी नहीं, मतलब एक लंबा समय है इंतजार के लिए, मतलब घर जाने के लिए भी बहुत लंबा समय इंतजार करना है। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक।
एक दिन वो अपनी अभ्यास पुस्तिका को खो दिया। फटिक ने अपनी अभ्यास पुस्तिका को खो दिया। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इनडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। यद्यपि जब उसके पास किताब हुआ करता था तो भी उसको अपने लेसन से अपनी तैयारी करना काफ़ी मुश्किल होता था। मतलब बुक होती थी तो अपनी पढ़ाई की से संबंधित जो भी तैयारी करना होता था उसके लिए काफ़ी मुश्किल कार्य था। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, और अब यह तो असंभव हो गया था। जब किताब थी तब पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल था, तो बिना किताब के असंभव सा हो गया था। डे आफ्टर डे द टीचर्स वुड केन हिम अनमर्सीफुली। दिन प्रतिदिन अध्यापक लोग उसको निर्दयता के साथ पीटते थे। केन मतलब छड़ी होता है, तो छड़ी का मतलब है छड़ी से उसकी पिटाई करते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजिन वेयर असेम्ड टू ऑन हिम। और उसकी स्थिति एब्जेक्टली मतलब होता है दीनहीन पतित। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि जो उसके कजिन थे, चचेरे भाई थे, मामा के लड़के थे, उसकी स्थिति को देखते हुए परेशानी महसूस करने लगे। उससे उनको शर्म भी आने लगी। मतलब फटिक की जो स्थिति, दीनहीन स्थिति थी, जो परेशानी थी, उसको देखते हुए उसके मामा के लड़कों को शर्म आने लगी थी। दे बिगेन टू जियर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज। वे भी फटिक का मजाक उड़ाने लगे, उसको चिढ़ाने लगे दूसरे लड़कों की तुलना में कहीं जाते। उसको तो सब चिढ़ाते ही थे, पर जो उसके मामा के लड़के थे उससे बाकी लड़कों से भी कहीं ज़्यादा उसको चिढ़ाने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। आखिर में वो अपनी मामी के पास गया और बताया कि उसने अपनी पुस्तक खो दी है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड। पर्स्ड मतलब होता है दबाया। हर आंट पर्स्ड हर लिप्स मतलब उसकी मामी ने अपने ओठों को दबाया। इन कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणापूर्वक, बहुत ही घृणा के साथ अपने ओठों को दबाया और बोली, यू ग्रेट क्लम्सी कंट्री लॉर्ड, तुम एक बेहद उत्कृष्ट किस्म के बेढंगे और गंवार हो। क्लम्सी मतलब बेढंगा और कंट्री लॉर्ड मतलब गंवार। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं ये सब कैसे सहन कर सकती हूँ। विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू ए न्यू बुक्स 5 times in a month। मैं परिवार के साथ साथ तुमको कैसे वहन कर सकती हूँ, जबकि तुमको महीने में 5 बार किताबें खरीदनी पड़े। तो दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटिक हैड ए बैड हेडक विथ ए फीट ऑफ सीवरिंग। उस रात जब फटिक स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने, उसको बहुत ही बुरी तरह से उसका सिर दर्द कर रहा था, और साथ ही साथ फीट ऑफ सीवरिंग मतलब है कपकपी का दौरा आ रहा था। सिर दर्द भी हो रहा था और उसके शरीर में कपकपी का दौरा आ रहा था। फीट मतलब दौरा और सीवरिंग मतलब कपकपी। He felt he was going to have an attack of malaria fever. उसने महसूस किया कि उसको मलेरिया बुखार होने वाला है या हो चुका है। His one great fear was that he would be nuisance to his aunt. अब उसका सबसे बड़ा डर यह था कि अब वो अपनी मामी के लिए परेशानी का विषय वस्तु बनेगा। The next morning, Fatik was nowhere to be seen. अगली सुबह फटिक कहीं भी नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। All searches in the neighborhood proved futile.
उसको खोजने के लिए पास पड़ोस पास पड़ोस में जो भी प्रयास किए गए, पास पड़ोस में जो खोजा गया वो सब व्यर्थ गया, व्यर्थ साबित हुआ। द रेन हैड बीन पावरिंग इन टोरेंट ऑल नाइट, पूरी रात बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई थी। टोरेंट मतलब मूसलाधार, पावरिंग इन टोरेंट मतलब होता है मूसलाधार बारिश। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, और उसकी तलाश में जो लोग बाहर गए थे उनकी स्किन या उनकी चमड़ी तक भीग गई थी, मतलब पूरी तरह से भीग गए थे उनके कपड़े। जब कपड़े भीग जाते हैं तो फिर स्किन भीगती है, वो तो पूरी तरह से भीग चुके थे। एट लास्ट दिसंबर आस्ट हेल्प फ्रॉम द पुलिस, और आखिर में उसके जो मामा थे दिसंबर ने पुलिस की मदद ली।